कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कांग्रेस संगठन की कमजोरी वाले बयान पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूत है लेकिन बूथ मैनेजमेंट में हम थोड़े कमजोर हैं। बड़े नेताओं की इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस में भीतर ही भीतर घमासान मच गया है। ऐसे में भाजपा ने भी कहा कि कांग्रेस सच में कमजोर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पार्टी संगठन कमजोर होने के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के बयान को खारिज करते हुए बूथ मैनेजमेंट को कमजोर बताया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के संगठन में पहले से मजबूती आई है, बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, ये हमें याद रखना है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जैसा हमारा संगठन होना चाहिए वैसा संगठन हमारा नहीं है, संगठन की कमजोरी के कारण वोट नहीं मिलते। हमें ये स्वीकार करने में कहीं ऐतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है, ये भी हमको ऐतराज नहीं है। हमको मानने में ऐतराज नहीं होना चाहिए, ऐतराज तो है लेकिन मानने से ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है, उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं होगी जैसी होना चाहिए। जनता वोट देना चाहती है लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग उसे पूरा नहीं करना। इसलिए कमलनाथ जी ने बहुत ही सही तरीके से पूरे प्रदेश के विधानसभा सीटों को सेक्टर मंडल में बांटा। कमलनाथ और दिग्विजय की अपनी ही पार्टी की कमजोरियां बताने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के संगठन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर और खंडवा के जिला अध्यक्ष होल्ड हैं, अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी भंग है और कमजोर संगठन वाली पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस सपने देख रही सरकार बनाने के, रोज ट्विटर पर भावी अवश्य भावी होर्डिंग पर भावी, कभी पंचांग से सरकार बनाते हैं, कभी ट्विटर से सरकार बनाते हैं, कभी होर्डिंग से सरकार बनाते हैं। इनके संगठन की ये स्थिति कि इंदौर जैसे शहर में 22 जनवरी को अध्यक्ष होल्ड हुआ था, 3 माह होने को जा रहे हैं, अभी तक इंदौर में अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं। यही स्थिति खंडवा की है, यही स्थिति भोपाल की है कि भोपाल के अंदर अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे। अल्पसंख्यक कांग्रेस की कार्यकारिणी अभी तक होल्ड पर है, उसके पते नहीं वो बना नहीं पा रहे, सपने सरकार के देख रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी खुद इस पत्रकारों के सामने सच्चाई को स्वीकार रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर है। मैं कमलनाथ कह रहे नहीं नहीं हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। अरे संगठन कमजोर है, बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, आप अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे तो सरकार के सपने को देख रहे हैं। पूरी कांग्रेस ही कमजोर हो चली है, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कि बूथ में बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, मंडलम सेक्टर बूथ की इकाइयां भी पिछले 5 साल से बना नहीं पा रहे, ये आपकी सच्चाई। आप कितने भी सरकार बनाने के सपने देख लें, संगठन तो आपसे संभल नहीं रहा है, संगठन तो आपसे चल नहीं रहा है, संगठन के पते नहीं है, बूथ मैनेजमेंट के पते नहीं है। आप कितने भी दावे करें, सारे दावे 2023 में धराशायी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।